हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है दुबई में लिमोजिन के काम के हवाले से, या आप अपनी फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे। मुझे कॉन्टेक्ट करने के लिए मेरा ईमेल एड्रेस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप मुझे मेल कर दें तो मैं आपको अपना नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा। आज है जी 11 अक्टूबर और अभी टाइम हो गया 11:54। और भाई अभी मैंने ये ड्यूटी का टाइम हो गया होटल पे, मैं अपडेट करके आ गया हूँ क्योंकि ऑलरेडी वहां पे गाड़ियां ज्यादा थी। और ये मस्जिद है यहाँ जबील में बनी हुई, तो भाई यहाँ पे आ गया ना, मैंने कहा यहाँ पे गाड़ी पार्क करके थोड़ा टाइम यहाँ पे पास करते हैं और जैसे ही जगह हो जाएगी गाड़ी पार्क करने की होटल में तो चले जाएंगे जी होटल में। फिलहाल यहाँ वेट करते हैं जी, देखते हैं क्या बनता है। एक ही गाड़ी निकलनी है होटल से क्योंकि अभी मेरे सामने चार गाड़ियां हैं, पांचवा नंबर मेरा है और चार गाड़ियों की खड़ी होने की जगह है होटल के बाहर, तो पांचवी गाड़ी बाहर। एक भी गाड़ी निकल गई होटल से तो इंशाल्लाह मेरा नंबर आ जाएगा, मैं जाके पार्किंग में लगा दूंगा गाड़ी और वहां पे फिर टाइम अच्छा गुजर जाता है। वीडियो में भी आपने देखा था और आज की वीडियो में देखो यार कितना खूबसूरत बन रहा है ये, और जब कल बनकर तैयार हो जाएगा ना फिर और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो गया, अल्लाह का शुक्र है यार। पहला ट्रिप तो लग गया, 1:32 हो गए, अभी मैं वापस आया हूँ। अभी ये गाड़ी एक ये खड़ी हुई है और बाकी गाड़ियां भी अभी आएंगी इंशाल्लाह। तो अभी मेरा चौथा नंबर है, देखते हैं कितना टाइम और लगेगा और कितने देर के बाद लगता है अगला ट्रिप। आज 11 हो गई है यार, मैं समझ रहा था कि 12 है, 11 है भाई, पहले 10 गुजर गए, 20 और है महीने के। ये मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनी हुई है यार, ये इसका नाम लिखा हुआ है जामिया शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम, ये मस्जिद। और ये देखो मस्जिद बहुत खूबसूरत बनी हुई है यार, मेरा नंबर आ गया यार, आ गया हूँ भाई मैं होटल में। तीन गाड़ियां अभी भी मेरे सामने खड़ी हुई और तीन गाड़ियों के बाद मेरा नंबर। ये रौनकें हैं जी आज की एग्जीबिशन हॉल की, इतनी देर इंतजार करने के बाद अभी नंबर आने वाला है यार। एक गाड़ी रह गई है भाई, ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और उससे आगे जो गाड़ी है ना बस वही रह गई है, उसके बाद मेरा नंबर आ जाएगा। शाम का टाइम है तो कुछ रौनक मौनक तो अभी नज़र नहीं आ रही है, वैसे ही सुनसान पड़ा हुआ। 5:30 हो गए हैं भाई और अभी जाके ना मेरा नंबर आया है ये होटल पे, अभी मैं खड़ा हूँ 5:30। उम्मीद है कि यार ट्रिप लग ही जाएगा, ये वाली गाड़ी भी जो है बड़ी लेट ही निकली है, अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है और ट्रिप भी अच्छा ही लग जाए यार, खर्चा ही कम से कम पूरा हो जाए दिन में। 5:37 हुए हैं और अभी जाके भाई मुझे ट्रिप मिला है, दूसरा ट्रिप जिसको मैंने छोड़ा DIFC में। और ना है तो बड़ा नज़दीक यार, पैसे बड़े अच्छे हैं लेकिन काम नहीं है तो क्या करें, ट्रिप दूसरा ही हुआ यार, खर्चा अभी तक तो पूरा नहीं हुआ क्योंकि मुझे 30-40 दिरहम और चाहिए अपनी सिर्फ इंस्टॉलमेंट पूरे करते हुए। आज के दिन की कमाई बाद में, पेट्रोल बाद में, सालिक सारे बाद में, फिलहाल तो खर्चा पूरा करना है, कंपनी के पैसे पूरे करने हैं, अभी टाइम बहुत है। ये देखो ये एक आध ट्रिप लग जाएगा, अभी चार गाड़ियां ऑलरेडी खड़ी हुई हैं होटल में, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिल ही जाए, क्या बताया वक्त का कुछ पता थोड़ा ही होता है कब मिल जाएगा ट्रिप। उस होटल में मैं गया था वहां पे तो चार गाड़ी खड़ी हुई थी यार, यहाँ पे ना ये बस एक ही है और इसके बाद ही है मेरा नंबर, लेकिन ये एक गाड़ी कब निकले कोई पता नहीं है भाई। अभी 7 वाले हैं तो देखते हैं क्या बनता है। हो गया यार 9:10 और अभी मैं घर पहुंच गया हूँ। जब मैं लास्ट ट्रिप करके वापस आया था ना तो नोवाटेल होटल पे चार गाड़ी खड़ी हुई थी और मैं फिर चला गया IBS में, वहां पे एक ही गाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैं वहां पे खड़ा हुआ, कल मैंने की थी गलती, अब हर रोज तो गलती नहीं करता इंसान गलतियों से सीखता है। कल मैं जब नोवाटेल में गया था लास्ट ट्रिप के बाद तो वहां पे तीन गाड़ी खड़ी हुई थी, चौथे नंबर पे जाके खड़ा हो गया जबकि IBS में सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मेरे बाद वहां से IBS में 3-4 गाड़ियां निकल गई और मैं उधर ही खड़ा रहा और वहां से 10 खाली ही निकला था, कुछ नहीं मिला था। तो आज खैर मैं वहां पे चला गया और जब उसने मुझे बताया कि 8 से खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद ही उसको ट्रिप मिल गया, वो लेके निकल गया और उसने मुझे कहा कि अब तुम्हारी किस्मत आजमा लो और देख लो तुम्हें कुछ मिलता है कि नहीं। लेकिन खैर मुझे 15-20 के बाद ही वहां से ट्रिप मिल गया था, उसको मैंने छोड़ा डाउनटाउन और मैं निकल आया वहीं से बाहर क्योंकि जुमे का दिन था और जुमे को ट्रैफिक नहीं रहती है, और इसलिए मैं पहुंच गया टाइम से आज घर पे। तो ये हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नई वीडियोस के लिए देखते रहो हमारा यूट्यूब चैनल। खुदा हाफिज़।